चुनाव लड़ना भी नहीं चाहती थी और आज ये जो कुछ भी हुआ है, चुनाव लड़ने की वजह से पापा के दुश्मनों ने माँ को टारगेट किया है। अगर शारदा देवी सही सलामत हॉस्पिटल से नहीं निकली तो वहाँ आज जो समीकरण बने हैं वो पूरी तरह से उलट जाएंगे। कार्यकर्ता है हमारी पार्टी के और उन पर गोली चलाने के लिए आप से परमिशन मांग रहे हैं। माहौल खड़ा करने के लिए बलदेव सिंह जी ने कहीं खुद ही तो शारदा देवी पर गोली नहीं चलवा दी। नहीं, ऐसे हालात में वो मौके का फायदा तो उठा सकते हैं लेकिन अपनी पत्नी पर गोली नहीं चलवा सकते। गोली तो शारदा देवी पर किसी और ने ही चलाई है। आखिर इस बात का दावा आप कैसे कर सकते? क्योंकि मैं जानती हूँ चरणदास कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। गोली अगर हाथ या पैर पर लगी होती तो मैं ये बात मान भी लेती, लेकिन गोली सीने और कंधे के बीच लगी है जिसमें खतरे की पूरी संभावना है। इसीलिए मैं तो ये मान नहीं सकती कि बलदेव सिंह ने शारदा देवी पर गोली चलवाई है। आप ठीक कहती। देखने वाली बात यह है चरणदास कि जिस तरह शारदा देवी पर गोली चलाई गई है, गोली चलाने वाले का इरादा शारदा देवी को सिर्फ घायल करने का नहीं था बल्कि वो उन्हें खत्म करना चाहता था। और अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि शारदा देवी बच पाएंगी या नहीं। देखो हॉस्पिटल से क्या खबर आती है। शारदा देवी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, शारदा देवी जिनको यहाँ पे लाया गया है उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। गोली कंधे पे लगी थी और सीने तक जा पहुंची थी। अगर गोली दिल तक पहुंच गई होती तो उनको बचाना बहुत ही मुश्किल था। फिलहाल शारदा देवी की जान अब खतरे से बाहर है, अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। शारदा देवी। शांत होइए। हमने सही वक्त पर उनकी गोली निकाल तो दी थी लेकिन फिर भी जहर उनके शरीर में फैल चुका था और हमारे लिए वो एक मुश्किल घड़ी थी, लेकिन हमारी कोशिश कामयाब हुई। हमें खुशी है कि अब शारदा देवी खतरे से बाहर हैं। बस उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। धन्यवाद। शारदा देवी। अभी आपने देखा शारदा देवी के बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया और बताया गया कि शारदा देवी ठीक हैं, सुरक्षित हैं और खतरे के बाहर हैं। इस खबर के आने के बाद उनके समर्थकों से उम्मीद की जानी चाहिए उनका आक्रोश थमेगा और शहर में शांति बहाल होगी। कैमरामैन हरीश के साथ मैं आदित्य, पी न्यूज। हेलो, जैन सर। देखिए, मैं समझता हूँ आप एक पुलिस अफसर है और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी। सर, अपने पुलिस वालों का मॉरल और उनके हौसले को बनाए रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है सर। हमारे पुलिस वाले अमन शांति बनाए रखने के लिए जनता के पत्थर के शिकार होते रहे और हम चुपचाप देखते रहे। नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ लेकिन क्या है, कई बार हमको ऐसे हालात से भी गुजरना पड़ता है ना सर। हालात को संभालने के लिए हमें पुलिस को ऑर्डर देना ही होगा। गृह मंत्री जी यहाँ मौजूद नहीं है और मैंने वित्त मंत्री जी से भी बात की है लेकिन उन्होंने भी इजाजत देने से मना कर दिया। नहीं, अगर उन्होंने मना किया तो मैं आपको कैसे इजाजत दे सकता हूँ? क्या है कि पुलिस के हाथों अगर एक आदमी भी मारा गया ना तो मुझे जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सर। आप किसी भी हालत में सिचुएशन को संभालिए और ख्याल रहे कि कोई इंसान। सर, मेरी समझ में नहीं आता है कि समर्थकों के बीच रोष और आक्रोश फैलता जा रहा है और अब तक इस खबर को दबाकर क्यों रखा गया है? क्योंकि शारदा देवी की जान अब खतरे से बाहर है, वो स्वस्थ है और होश में आ चुकी है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। अगर जनता के बीच ये खबर पहुँच जाए तो उनका आक्रोश ठंडा हो और हमें कोई कदम न उठाना पड़े। प्लीज आप देखिए सर कि क्या होता है। ओके सर, जय हिंद। आपने सर वो न्यूज़ सुनी क्या? ये अस्पताल वालों की अभी भी खबर आई है कि शारदा देवी खतरे से बाहर है। हाँ, अभी मुझे पुलिस कमिश्नर ने बताया। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये लोग इस बात को दबा क्यों रहे? जानबूझकर शहर का माहौल खराब करने के लिए? सर, अब एक बात तो इससे मुझे क्लियर लग रही है कि होना हो ये बलदेव सिंह जानबूझ के आपको अंदर से खोखला करने के चक्कर में। अब धीरे धीरे ये बलदेव की नीयत सामने आने लगी।
वो ये बात भूल रहा है कि पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वो सीएम की कुर्सी हासिल नहीं कर सकता। और अगर हां मैं अगर आप पे उतरा है ना तो वो एक राजनीति तज्ञ हैं ये बात भी भूल जाए। हमें तो सर उसी दिन का इंतजार है जिस दिन ये बलदेव सिंह का घमंड टूटेगा। चलो अब शारदा देवी की जान तो बच गई, ये देखना होगा कि जनता पर इस बात का क्या असर पड़ता है। उतरो बेटा। माँ आप यहाँ हॉस्पिटल में थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, आपके बिना घर घर नहीं लगता माँ। हाँ माँ जी, कल तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे हम जीते जी मर गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए क्या करें, किस मंदिर में जाकर प्रार्थना करें, किससे आपके लिए दुआएं मांगे। राजवीर नहीं आया। रात वो यहीं थे, वो तो किसी से ठीक से बात भी नहीं करते। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके दिल में चल क्या रहा है, लेकिन कल पूरी रात उनको यहां पर देखकर एक बात तो महसूस हुई हमें कि मां बेटे का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है माँ जी, इतनी आसानी से टूट जाए। हाँ बहू मैं जानती हूँ, उसके दिल को ठेस लगी है, मैं उसके जज्बात को समझ सकती हूँ। उसके दिल में मेनली जो नाराजगी है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी सब कुछ धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा माँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। पता है माँ जी, कल जब हम मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे ना, हमें ऐसा लगा जैसे आपके बगैर तो भगवान भी उदास है। मैं भगवान के आभार मानती हूँ
भगवान ने मुझे इतने अच्छे बेटा बेटी दिए। इतनी अच्छी बहू दी कि मैं उन पर गर्व कर सकती हूँ। सोचने लग गए माँ? मैं यही सोच रही हूँ, भगवान की दी हुई सारी खुशियां मिली, लेकिन अफसोस परिवार राजनीतिक मिला, हाँ तो मैं कह रहा हूँ वही तथ्य आप ढूंढ के लाओ, करो जनता को गुमराह इससे पहले कि बलदेव जी इस बात का फायदा उठाएं। रजनी जी आप उठा लो फायदा। नमस्कार त्यागी जी। आइए आइए रजनी जी आइए। मैं आपको ताज्जुब होगा कि मैं अभी बस आप ही के बारे में सोच रहा था। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में सोचते तो हैं, शायद इसीलिए आज यहाँ तक पहुँच पाई। रजनी जी अभी छूने के लिए ना पूरा आसमान बाकी है, पर देखा ये गया है कि भाई जैसे ही पंछी के पर बड़े हुए तो वो ससुरा घोंसला ही बदल लेता है। त्यागी जी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। भाई शाबाश, बड़ा भरोसा है अपनी वफा पे है। देखेंगे, फिलहाल तो ये है कि आपने सुना ही होगा कि शारदा देवी खतरे से बाहर है। हाँ, ये खबर सुनकर ही आपके पास आई हूँ ये पूछने के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि शारदा देवी की तबीयत पहले ही संभल गई थी, लेकिन पार्टी में अपनी ताकत दिखाने के लिए ये खबर दबा के रखी गई। बिल्कुल सही कह रहे जी आप। अब मौके का फायदा ना उठाए तो वो बलदेव सिंह ही क्या। त्यागी जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हमारे लिए ये सोचना जरूरी है कि शारदा देवी बच गई हैं, ये अच्छा हुआ या बुरा। अब ये अच्छा हुआ या बुरा ये बाद में सोचेंगे जी, पहले तो ये देख लो कि शारदा देवी कुछ दिनों रहेगी अस्पताल में। वो बाहर निकल के आए उससे पहले आप अपनी पूरी ताकत लगा लो उसके खिलाफ दुष्प्रचार में। कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाओ कि जनता हक्की बक्की रह जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शारदा देवी अगर सामने होती तो ये काम आसान नहीं था, लेकिन शारदा देवी के प्रचार में ना आ पाने की वजह से हम जनता के बीच जाके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बात करने के लिए कोई तर्क और तथ्य तो होने चाहिए। जनता ये जानती है कि शारदा देवी अभी अभी मौत के मुंह से निकली। तथ्य तो आप ढूंढ के लाओ जी। क्या है कि जनता की सोच को मोड़ने की जरूरत है। आपने सोच को मोड़ दिया, वोट आपकी झोली में। ये जो सारा कुछ शारदा देवी का ड्रामा चला है ना, इस बात को बताना जरूरी है कि ये नाटक था। भाई सत्ता उनकी है, सब कुछ उनका है, अपनी तरह से उन्होंने बात को घुमा दिया। अगर जो बात सच्ची होती तो असली अपराधी पकड़ा नहीं जाता क्या। वाह, क्या तथ्य रखे हैं आपने। हाँ तो मैं कह रहा हूँ वही तथ्य आप ढूंढ के लाओ, करो जनता को गुमराह इससे पहले कि बलदेव जी इस बात का फायदा उठाएं। रजनी जी आप उठा लो फायदा। रुको रुको रुको, गाड़ी जरा पीछे लो। बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होंगे और उनमें से एक सवाल यह है कि मैंने अपनी पत्नी शारदा देवी को
इस चुनाव में लड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन पर हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद। मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश है मेरी पत्नी को इस सीट से हटाने की साजिश, क्योंकि वो चुनाव न लड़े। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी पत्नी शारदा देवी ये चुनाव लड़ेंगी और पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ेंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस इलाके की जनता हमारे साथ। शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद। जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद मेरी पत्नी शारदा देवी का राजनीतिक जीवन शुरू हो रहा है, और मैं अपनी जनता को यकीन दिलाता हूं कि शारदा देवी ही उनकी जीवन में खुशहाली लाएंगी, और शारदा जी के हाथों ही इस इलाके का विकास होगा। शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद। फिलहाल शारदा देवी चुनाव प्रचार में नहीं उतर रही, लेकिन मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शारदा देवी बनकर चुनाव प्रचार में उतरेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन मेरी पत्नी पर हमला करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा और जनता के सामने खुलासा करेगा कि इस घिनौनी हरकत के पीछे किसका हाथ है। धन्यवाद। बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद। क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूँ कि पिछले दो दिन हम सब पर कितने भारी थे, खाना पीना सब कुछ कितना मुश्किल सा हो गया था। तुम्हारी माँ तो अब खतरे से बाहर है, लेकिन अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि हमला करवाने वाले कौन थे। घर में तो इस बात को लेकर चर्चा होती होगी ना कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिताजी इस बात को भूल जाएं। से ये भूलने वाली बात तो नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है इसके पीछे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार भी तुम्हारे पापा की पार्टी की ही है, और फिर भी अपराधी आजाद है। अभी तक पुलिस की ओर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इसका मतलब तो साफ है कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। और अगर मामले को दबाने की कोशिश हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं ये घटना पार्टी के अंतर्कलह का नतीजा है। तुम ये मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? मैं बता भी रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ कि शायद तुम्हें बातों की जानकारी हो। हाँ, ताकि मैं कुछ बोलूं और तुम उसे ब्रेकिंग न्यूज बना दो। आदित्य, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने मेरे घर की बात बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं तुमसे मिलना ही छोड़ दूंगी। अरे नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं तो बस राजनीति के खेलों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें भी राजनीति में आना है क्या? क्यों नहीं आ सकता? अरे एक राजनीति तो ऐसी है जिसमें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछता कि कितनी पढ़ाई की है, कौन सा कोर्स किया है, राजनीति की ABCD आती है या नहीं। बस बस, तुम्हारे लिए ना ये पत्रकारिता ही ठीक। और हाईलाइट बताऊं, जिसके पैरों में खड़े होने की ताकत भी ना हो ना, वो भी देश के चुनाव में खड़ा हो सकता है ना, कमाल की बात। चलो
कि वहां जाने का मकसद आपका कुछ और ही था। शायद आप कुछ और ही जानने गए थे। रागिनी, चिल्लाइए मत। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ, राजनीति और मीडिया का मिलाप हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। वो देखो, बलदेव सिंह की बेटी मीनाक्षी है और रिपोर्टर आदित्य राय, इन दोनों को साथ देखकर ख्याल आ रहा है कि इसके जरिए बलदेव सिंह के साथ अच्छा खेल खेला जा सकता है, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं है। चलो। कहाँ जा रहे हैं राजवीर? अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे। दोस्त से मिलना जरूरी है, अगर माजी से मिल लेते तो अच्छा होता। होश में आते ही वो आपके बारे में ही पूछ रही थी। अंजना टिफिन तैयार कर रही है, लेकर चले जाइए, आप ही खिला भी दीजिएगा, खुश हो जाएंगी वो। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे माँ की खुशी के लिए आना चाहिए? जब माँ को मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है तो मैं उनकी खुशियों के बारे में क्यों सोचूं? कैसे इंसान हैं आप, और आप उन्हें एक बार देखने भी नहीं जाना चाहते? अभी अभी माजी मौत के मुंह से बाहर आई है और आप उन्हें देखने जाना भी नहीं चाहते? कितना फर्क है उनमें और आप में। एक वो है जो आपकी हर गलती को माफ कर देती है, आपकी हर गलती को मुस्कुरा कर सहन कर लेती है, और एक आप है जिसे ये एहसास भी नहीं है कि वो आपकी माँ है, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, जिसकी वजह से आज आप इस दुनिया में हैं। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था ना उनका समाचार जानने के लिए, बस। समाचार जानने गए थे और अब आप उन्हें देखने या उन्हें तसल्ली देने भी नहीं जाना चाहते? फिर तुम यही समझ ले कि वहां जाने का मकसद आपका कुछ और ही था। शायद आप कुछ और ही जानने गए थे। रागिनी, चिल्लाइए मत। मैं मर जाती तो दो बातें बहुत अच्छी होती। एक, मुझे राजवीर की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता, और दूसरा, उसके करियर के लिए रास्ता खुल जाता। इतना अच्छा होता ना। माँ जी, क्या आप अपने बेटे का करियर बनाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं?